सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाले नए इनिफो के बारे में, नए म्यूचुअल फंड के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखा जाए तो जो HDFC ने अपना नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है, इस टाइप्स के म्यूचुअल फंड आपको मार्केट में बिल्कुल ही ना के बराबर देखने को मिलते हैं। कहा यह जा रहा है कि अभी इस टाइप्स का म्यूचुअल फंड तो अभी तक कोई भी AMC कंपनी लॉन्च ही नहीं किया है। ये पहला HDFC म्यूचुअल फंड हाउस है जो इस कैटेगरीज का, इस टाइप्स का म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है। तो आज के इस वीडियो में मैं नए इनिफो के बारे में आपको पूरी डिटेल्स दूंगा, पूरी अपडेट्स दूंगा कि यहाँ पे जो भी पैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस पैसे को आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, कितने पैसे से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर पाएंगे, क्या क्या परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा और कब तक ये इनिफो रहने वाला है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। आप बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे वारिस तो फाइनेंस पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए बिना देर किए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि HDFC ने ऐसा कौन सा नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है जिस टाइप्स का, जिस कैटेगरीज का म्यूचुअल फंड अभी मार्केट में नहीं अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप उस फंड का नाम जानिए जो नया इनिफो आया है। फंड का नाम हमें देखने को मिलता है HDFC निफ्टी रियल्टी इंडेक्स फंड। ठीक है, तो पहले मैं इस नाम को लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। फंड का नाम हमको देखने को मिलता है HDFC निफ्टी रियल्टी इंडेक्स फंड। ठीक है, ये हमको फंड का नाम देखने को मिलता है और ये क्या है, ये इनिफो है, न्यू फंड ऑफर आया है तो इनिफो हमने ऐड कर दिया है। चलिए अब हम बताते हैं आपको कि इसके नाम के अंदर से आपको क्या क्या जानकारी मिल सकती है। नाम में ही छुपा रहता है कि आपके पैसे को किन किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो ये हमारा HDFC क्या हो गया, एक AMC कंपनी का नाम हो गया, म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी का नाम हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स फंड। यहाँ पे ना आपको ये जो रियल्टी है, ये एक चीज आपको अलग देखने को मिल रहा होगा, ये अलग नहीं है। मार्केट में आप स्टॉक्स मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये पता होगा, म्यूचुअल फंड के लिए ये चीज जो है वो नया है। देखिए रियल्टी का मतलब होता है रियल एस्टेट, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जो भी पैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पैसा आपका रियल एस्टेट के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जैसा कि निफ्टी रियल्टी है तो देखिए टॉप 10, ठीक है, टॉप 10 रियल एस्टेट कंपनी। ठीक है, इसके अंदर में क्या आते हैं, टॉप 10 रियल एस्टेट कंपनी आते हैं जो कि सबसे टॉप होंगे, सबसे अच्छा जो कंपनी होंगे रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर में, उस कंपनी के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा आप ये जानिए कि रियल एस्टेट होता क्या है, ये किस काम को करता है। देखिए रियल एस्टेट एक घर बनाने को हम कह सकते हैं, जो भी कंपनी घर बनाती हो, घर बनाने में जो भी काम करती हो या फिर घर बना करके सेल करती हो या फिर रेंट लेती हो, वैसी कंपनी को हम क्या कहते हैं, रियल एस्टेट कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपके पैसे को डायरेक्टली किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है, ये तो क्लियर है कि इंडिया की टॉप 10 रियल एस्टेट कंपनी के अंदर में आपके पैसे जो है वो इन्वेस्टमेंट होंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में ना आपके पैसे को ज्यादातर डाइवर्सिफाई किया जाता है, अलग अलग जगहों पे बांटा जाता है जिससे आपको रिस्क कम जाए और आपको रिटर्न जो है वो अच्छे मिले। तो यहाँ पे भी आपके पैसे को डाइवर्सिफाई किया गया है, तो उसको हम यहाँ पे होल्डिंग्स के अंदर में देखते हैं कि हमारे पैसे को किन किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले देखिए टॉप 10, ठीक है, टॉप 10 है रियल एस्टेट के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया गया है। फिर उसके बाद और भी आपको एसेट्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया गया है। देखिए यहाँ पे जो आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो है 95% से लेकर के 100% तक। ठीक है, आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 95% एलोकेशन जो है वो टॉप 10 कंपनी के अंदर में जो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई है उस कंपनी के अंदर में तो रहेंगे। 95% चांसेस है कि 100% तक भी रह सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं 95, तो अभी 5% की और आपकी संभावना दी गई है कि आपके पैसे को अलग एसेट्स के अंदर में भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो दूसरा जो एसेट्स हमको देखने को मिलता है वो है डेप्ट, या फिर उसको हम बोलते हैं मनी मार्केट। ठीक है, कंपनी ने खुद ही ये चीज को बताया है कि हम दो जगहों पे अपने पैसे को जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो है 0% से लेकर के
5% तक आपके पैसे को डेट के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। डेट कहने का मतलब ये हुआ कि जो कंपनी लोगों को लोन दिया करती है, कर्ज देने का काम करती है, वैसी कंपनी के अंदर में आपके पैसे को जो है वो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो देखिए, फंड के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है कि आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब थोड़ा डिटेल्स में हम जानते हैं कि ये जो फंड लॉन्च हुआ है, इसके एनएवी प्राइस हमें क्या देखने को मिलता है। अभी हम डेट के भी बात करेंगे कि कब ये ओपन होगा और कब ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। पहले आप इन सभी चीजों को जानिए। आप जान जाएंगे तो आपको करने के जब इच्छा रहेगा तब खुद ही डेट तक रुके रहेंगे, वीडियो को देखते रहेंगे, ठीक है। एनएवी प्राइस जो यहाँ पे हमें देखने को मिला है वो है 10 रुपए, ठीक है। 10 रुपए में आपको एक नेट एसेट वैल्यू जो है वो मिल जाता है। अब आप ये डिसाइड करते हैं कि चलिए सारी चीज यहाँ पे अच्छी है, हम पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या रखा गया है, यानी कि मान लीजिए अगर आपको एसआईपी करना है तो मिनिमम एसआईपी क्या रखा गया है और कितने लोग, ज्यादातर लोग जो है वो लमसम किया करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो किसी ना किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो दोनों को मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कितना मिनिमम अमाउंट रखा गया है, कम से कम कितना है। देखिए, एसआईपी के लिए आपके पास जो है वो 100 रुपए पर महीने देना पड़ेगा। अगर आप 100 रुपए दे सकते हैं तो आप एसआईपी कर सकते हैं। बहुत ही कम अमाउंट रखा गया है और लमसम के लिए भी यहाँ पे मात्र आपको 100 रुपए ही रखा गया है कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप इस फंड के अंदर में अपने पैसे को जो है वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब देखिए कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे चार्जेस भी तो लगते हैं। फंड मैनेजर जो बैठा हुआ है वो आपसे चार्जेस भी तो लेते हैं और एग्जिट लोड भी तो लगते हैं। तो उन सभी चीजों को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमसे एक्सपेंस रेशियो कितना लिया जाएगा और हम देखेंगे कि यहाँ पे हमसे जो है वो एग्जिट लोड कितना लिया जाएगा। तो एक्सपेंस रेशियो की जहां तक बात आती है तो एनएफओ के अंदर में हमें एक्सपेंस रेशियो नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे हर एक वीडियोस में बताता हूँ कि इतना टारगेट है कि इतना तक आपका जो एक्सपेंस रेशियो लगेगा। देखिए, कभी भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ एक्सपेंस रेशियो पता करने का। कभी भी निफ्टी आ जाए, इंडेक्स फंड आ जाए, तो आप इतना मान के चलिए कि 0.5 जो रहेगा वो हाईएस्ट एक्सपेंस रेशियो रहेगा, जो सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है। शुरू होता है 0.18% से इंडेक्स फंड के अंदर में, निफ्टी के अंदर में। तो यहाँ पे ना आपसे जो लिया जाएगा तकरीबन 0.25%, ठीक है, इतना के आसपास ही आपसे जो है वो एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा। इस चीज को आप जो है वो क्लियर रखिएगा। और एग्जिट लोड की अगर हम बात करें कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको पैसे की जरूरत पड़ गई बीच में तो आप निकालेंगे तो कितना चार्ज लिया जाएगा, तो यहाँ पे अभी 0% हमें देखने को मिला है क्योंकि यहाँ पे कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। आप पैसे इन्वेस्टमेंट कीजिए, जब भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, जब भी विड्रॉवल कीजिए, कोई चार्ज नहीं है। चलिए, अब जिस चीज का आपको काफी बेसब्री से इंतजार था कि इस एनएफओ को कब लॉन्च किया गया है, कब ये क्लोज हो जाएगा, कब अलॉटमेंट मिलेगा, उन सभी डेट की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं एनएफओ के लॉन्चिंग डेट को कि कब इस एनएफओ को जो है वो लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, लॉन्चिंग डेट को। फिर हम देखेंगे कि ये एनएफओ जो है वो कब एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है, कितने दिनों के लिए आया है, वो सभी चीज हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, इस एनएफओ को जो एचडीएफसी ने जो लॉन्च किया है वो डेट हमें देखने को मिलता है 7 मार्च 2024, ठीक है, 7 मार्च 2024 को इस एनएफओ को जो है वो लॉन्च किया गया है। 7 मार्च से आप जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे एनएफओ के माध्यम से। क्लोजिंग की अगर हम बात करें, जब ये एक्सपायर हो जाएगा वो डेट हमें देखने को मिलता है 21 मार्च 2024। तो आपके पास काफी अच्छा टाइम यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है, 2024 21 मार्च तक आपके पास टाइम है कि आप यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 21 मार्च के बाद जो है वो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद जो हमें देखने को मिलता है वो है अलॉटमेंट डेट, कि अगर आप एनएफओ रहते भर में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में कब वो होल्डिंग सारी आ जाएंगी। तो ये डेट जो हमें देखने को मिलता है वो है 26 मार्च 2024, ठीक है, 26 मार्च 2024 को आपको इस फंड का जो है वो अलॉटमेंट मिल जाएगा। और 26 मार्च को आप सभी को अलॉटमेंट मिल जाएगा और ये फंड जब री इन्वेस्टमेंट के लिए जब आएगा वो डेट आपको देखने को मिलेगा 26 मार्च जिस दिन रहेगा, उस दिन से आप 3 से 5 या फिर ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के बाद जो है वो आप यहाँ पे लाइव इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद कुछ 3 से 5 दिन का, कुछ बिजनेस डेज 3 से 5 दिन का टाइम लगता है, जो कि फंड मैनेजर कुछ काम होते हैं वो सभी चीज वो जो है वो हैंडल करते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पे जो है वो लाइव इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, सारी डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आ जाएगी, सारी डाटा आ जाएगी। ये अभी हमने अंदाजन आपको बताया है, ये भी चीज आपके सामने जो है वो क्लियर हो जाएगी। देखिए, ये काफी अच्छे कैटेगरीज का फंड है। और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि ये फंड ऐसे कंपनी क्लेम करती है कि ये एक थीमेटिक कैटेगरीज का फंड है, ठीक है।
थीमेटिक कैटेगरीज का फंड है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि ये एक सेक्टरल फंड भी है, ठीक है। ये एक सेक्टरल कैटेगरीज का भी फंड हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा पैसा जो भी है वो टॉप 10 रियल एस्टेट के अंदर में जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा कहाँ जा रहा है, रियल एस्टेट के अंदर में जा रहा है, तो एक पर्सनल किसी सेक्टर के अंदर में ये जा रहा है। बाकी सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दे दी है, और जैसा कि सेक्टरल फंड के अंदर में आपको काफी हाई रिस्क देखने को मिलता है और रिटर्न्स भी काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, तो सारी चीजों को आप पहले जानकारी को ले लीजिए, अपने रिस्क को देख लीजिए, फिर आप इस फंड के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कीजिए। बाकी दोस्तों ये फंड काफी बेहतर है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे इस चैनल को बारिश द फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।